दोस्तों, 4 सालों से मैं YouTube पर काम कर रहा हूँ, तब जाकर एक YouTube चैनल मोनेटाइज हुआ था। लेकिन ये YouTube चैनल भी बर्बाद हो गया। मतलब पैसा बन रहे हैं, लेकिन दोस्तों इस YouTube चैनल पर है ना, मिक्स कंटेंट चला गया हद से ज़्यादा, तो YouTube रीच और इम्प्रेशन डाउन कर दिया है। लेकिन मैं इस YouTube चैनल पर सही ढंग से काम करूँगा ना, तो फिर से मेरा YouTube चैनल ग्रो होगा, लेकिन काफी समय लगेगा, हद से ज्यादा समय लगेगा। दोस्तों, 4 सालों में काफी ऐसे यूट्यूबर से भी मिला जो शुरू में उनके अंदर बहुत जिज्ञासा था कि बनना है तो बस यूट्यूबर बनना है, यूट्यूब से पैसा कमाना है, और अच्छा खासा मेहनत भी करते थे वो लोग, हद से ज्यादा मेहनत करते थे, रात दिन मेहनत करते थे। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे उनके अंदर का जो जिज्ञासा होता है ना, जो अभिलाषा होता है, वो सब बिखर गया। सच कह रहा हूँ मैं, बिखर गया। उसके प्रति जो लगाव था ना वीडियो के प्रति, की वो उनके अंदर मर गया एकदम। यूट्यूब को छोड़ दिए, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, तो कोई किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है। इन 4 सालों में मैं कैसे टिका रह गया? मैं जिद्दी इंसान था, मैंने ये सोच रखा था कि जिंदगी बर्बाद होगी तो होगी भाई, लेकिन वीडियो बनाएंगे। मैं भी काफ़ी बार टूटा, क्योंकि जब वीडियो पर अच्छा खासा व्यूज नहीं आता ना, तो इंसान हताश हो जाता है और अंदर से टूट जाता है। मन नहीं करता है कि वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूं। लेकिन दोस्तों, फिर से मैं यूट्यूब पर आया, इस बार लोगों को जानकारी देने आया। कई सारा यूट्यूब चैनल बनाया, लेकिन कोई भी नहीं चला। एक यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ, उस पर मिक्स कंटेंट चला गया, क्योंकि पहले हमें नॉलेज नहीं था। इसीलिए जो चीज़ें मैं आपको बोलता हूँ ना, कभी भी गलत नहीं बोलता हूँ, क्योंकि दोस्तों जब लोगों का समय बीत जाता है ना, तो उनको अनुभव हो जाता है कि कैसे कैसे YouTube चैनल पर काम करना चाहिए। मैं 4 सालों से कंटिन्यू YouTube पर काम नहीं किया हूँ, कभी 3 महीने YouTube को छोड़ दिया, तो कभी 7 महीने छोड़ दिया, तो कभी वीडियो बनाना ही बंद कर दिया। ऐसे में भी YouTube रीच डाउन कर देता है, सच कह रहा हूँ मैं, रीच बिल्कुल ही डाउन कर देगा आपकी वीडियो का, जो इम्प्रेशन है ना, बिल्कुल डाउन कर देगा। और काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि मैं रेगुलर वीडियो बनाकर अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, तो क्या मेरा YouTube चैनल ग्रो होगा या नहीं होगा? तो दोस्तों, ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ कि कब आपका वीडियो वायरल होगा ये किसी को भी नहीं पता, कब आपका चैनल ग्रो होगा ये भी किसी को नहीं पता। सच कह रहा हूँ, अगर आपका चैनल डेड हो चुका है, मतलब फ्रीज हो चुका है, तो वो भी कुछ समय के लिए होता है। देखिए, अगर आप हद से ज़्यादा अपने यूट्यूब चैनल पर मिक्स कंटेंट डाल रहे हो, तो आने वाले समय में, मतलब भविष्य में, आपका चैनल डेड ही होगा। चाहे इस समय आपके चैनल पर या फिर वीडियो पर अच्छा खासा व्यूज आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपका चैनल डेड होगा। ये मैं लिख के कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि जब मैं मिक्स कंटेंट डालता था ना, तो अच्छा खासा व्यूज आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, वैसे वैसे व्यूज डाउन जाने लगा। मतलब व्यूज बिल्कुल नहीं आता था चैनल पे, ना ही वीडियो पर आता था। एक समय ऐसा है कि यूट्यूब ने रीच और इम्प्रेशन भेजना ही बंद कर दिया। देखिए, एक चीज मैं और आपको बता दूं, जब आपके चैनल का YouTube नोटिफिकेशन भेजना बंद कर दे, आपका जो रियल टाइम पर व्यूज है वो डाउन हो जाए, आपकी वीडियो YouTube रिकमेंड में नहीं ले रहा है, और आप YouTube स्टूडियो में जाकर एनालिटिक्स पर क्लिक कर रहे हो और रिसर्च पर जाकर देख रहे हो कि आपके चैनल के हिसाब से आपका कीबोर्ड नहीं आ रहा है और ना ही वीडियो आ रहा है, तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि जो आपका चैनल है ना,
वो यूट्यूब ने डेड कर दिया, मतलब फ्रीज कर दिया आपका चैनल का जो रीच है, इम्प्रेशन है, यूट्यूब बंद कर दिया है, क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो आपके चैनल का कैटेगरी नहीं समझा है। सच कह रहा हूँ मैं, काफ़ी लोग सेटिंग नहीं करते हैं ना, इसीलिए उनका चैनल ग्रो नहीं हो पाता है। मतलब बेसिक सेटिंग, एडवांस सेटिंग, चैनल का कैटेगरी, लैंग्वेज और कंट्री, ये सब चीज़ें यूट्यूब पर सेलेक्ट करना होता है। बेसिक सेटिंग करना होता है आपको, एडवांस सेटिंग करना होता है, चैनल का कैटेगरी सेलेक्ट करना होता है, कंट्री और लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है। क्योंकि अगर आप बेसिक सेटिंग नहीं करोगे तो आपका चैनल सर्च इंजन में नहीं आएगा। अगर आप एडवांस सेटिंग नहीं करोगे तो आपकी वीडियो 18 प्लस है या नहीं है ये चीज़ यूट्यूब को नहीं पता चलेगा। तो यूट्यूब आपकी वीडियो किन लोगों के पास रिकमेंड करेगा? या फिर आप अपने चैनल का कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करते हो तो यूट्यूब को समझ में नहीं आएगा कि आपके चैनल पर किस विषय का वीडियो अपलोड होता है। उसके बाद भी यूट्यूब रिकमेंड नहीं करेगा, अगर सेलेक्ट नहीं करते हो तो रिकमेंड बिल्कुल नहीं करेगा। या फिर अब लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं करते हो, जिसे हिंदी आता है, मतलब हिंदी वाला ज़्यादा वीडियो लोग देखते हैं, तो उसी के पास तो भेजेगा। ऐसा तो है नहीं कि जिसे हिंदी नहीं आता है उनके पास भी यूट्यूब पहुंचा देगा, नहीं। जिसके पास हिंदी, मतलब हिंदी वाली ज़्यादा वीडियो जो लोग देखते हैं उनके पास पहुंचाएगा तो फायदा रहेगा, क्योंकि उनको समझ में आएगा, तभी आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पूरा वीडियो भी देखेंगे। कंट्री भी सेलेक्ट कर लेना, कंट्री इतना मायने नहीं है लेकिन ये सारी चीज़ें मायने हैं। काफ़ी लोग नहीं सेलेक्ट करते, अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलर काम करते हैं, बाद में पता चलता है कि भाई यूट्यूब चैनल तो डेड, मतलब फ्रीज हो चुका है। पहली गलती तो ये हो गई। और दूसरी गलती पता है क्या है? मेरी तरह काफ़ी लोग यूट्यूब पर 2 महीना वीडियो बनाना बंद कर देंगे, मतलब वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड नहीं करेंगे। कभी 6 महीना हो जाएगा, कभी साल भर हो जाएगा, तो ऐसे में भी रीच डाउन हो जाता है, यूट्यूब इम्प्रेशन भेजना बंद कर देता है। या फिर आपके चैनल पर गलत सब्सक्राइबर आ गया है, उसकी वजह से भी चैनल डेड होता है, क्योंकि जो सब्सक्राइबर है वो एक्टिव नहीं है, आपकी वीडियो कभी नहीं देखेगा। तो इससे भी क्या हुआ, यूट्यूब को लगेगा कि आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, तो यूट्यूब इम्प्रेशन और रीच नहीं भेजेगा, बिल्कुल नहीं भेजेगा। ये भी कारण है। और काफ़ी लोग क्या गलती करते हैं भाई, 1,000 सब्सक्राइबर, 4,000 घंटे का वाट टाइम कंप्लीट करने के लिए पैसा देते हैं, पैसा से यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करते हैं, इससे भी कोई फायदा नहीं है। पैसा देकर आप अपना यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं कर पाओगे, मेहनत से करोगे, बिना मेहनत से आपका यूट्यूब चैनल कभी नहीं ग्रो होगा। सच कह रहा हूँ, आपका कंटेंट में दम होगा ना तो आप अच्छा खासा सब्सक्राइबर और वाच टाइम भी ले आओगे, आपका यूट्यूब चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा और आपका चैनल भी ग्रो हो जाएगा और पैसा भी कमाओगे आप। कंटेंट में दम होना चाहिए बस, आपका जो वीडियो है ना अच्छा होना चाहिए, लोगों को पसंद आना चाहिए। काफ़ी लोग क्या गलती करते हैं, किसी को टाइटल ढंग से लिखना नहीं आता, डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना आता, टैग नहीं लिखना आता है और थंबनेल बनाना नहीं आता। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको सही ढंग से करना है, मतलब वीडियो बेहतर बनाना है, उसके बाद टाइटल सही ढंग से लिखना है, डिस्क्रिप्शन, टैग और आपका थंबनेल भी सही होना चाहिए। ये आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, इससे ही पता चलता है कि आपकी वीडियो में है क्या यूट्यूब को। काफ़ी लोग टाइटल कुछ और लिख देते हैं और वीडियो में कुछ और होता है, तो ऐसे में आपका मेटा डाटा में एरर आ जाता है। मतलब ये है कि यूट्यूब है ना, आपकी वीडियो में है क्या वो पकड़ता है टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग की वजह से, उसके हिसाब से ही आपकी वीडियो यूट्यूब रिकमेंड करता है। मतलब कोई सर्च करेगा तो सर्च इंजन में भी आ जाएगा आपका वीडियो, फिर या तो सजेशन में जाएगा आपकी वीडियो, या फिर यूट्यूब आपकी वीडियो को रिकमेंड करेगा। तो इससे क्या है कि अच्छा खासा आपकी वीडियो पर व्यूज आएगा, मतलब जो वीडियो में उसी से मिलता जुलता टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग और आपका थंबनेल भी होना चाहिए बस। फिर देखो आपका चैनल धीरे धीरे ग्रो होगा।
कब मेरा वीडियो वायरल होगा, कब मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा, कब मेरे चैनल पर अच्छा खासा सब्सक्राइबर और वॉच टाइम कंप्लीट होगा, कब मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो होगा। तो दोस्तों इन सब चीज़ों पर रहना, आप अभी ध्यान मत देना। आपको ध्यान देना है वीडियो में, टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, टैग में और थंबनेल में। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कई सालों से यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, उसके बाद भी मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं हुआ, चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, तो दोस्तों ऐसे में क्या होगा कि आप डीमोटिवेट हो जाओगे, आप हार जाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में बार बार यही चलेगा कि कई सालों से मैं यूट्यूब पर मेहनत कर रहा हूँ लेकिन आज सफल रहा, मतलब सफलता मुझे मिला नहीं है। तो आप निराश हो जाओगे, हताश हो जाओगे, बहुत दुखी हो जाओगे। ये आपको सोचना ही नहीं है कि इतने साल हो गए या फिर इतने महीने बीत चुका है मेरा यूट्यूब पर, किसी किसी का 3 साल 4 साल हो जाता है ना, यही सोच कर लोग यूट्यूब को छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, आपको जिद्दी बनकर रहना है, आपको ध्यान देना है वीडियो पर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग और थंबनेल पर बस। और जो सेटिंग है चैनल का वो आपको कर लेना है, उसके बाद आप रेगुलर अपने यूट्यूब चैनल पर काम करो। अगर आप 2 दिन पर वीडियो बनाते हो तो 2 दिन पर वीडियो बनाओ और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करो। अगर आप हफ्ते में 3 वीडियो अपलोड करते हो तो हफ्ते में 3 वीडियो करो, लेकिन कंटिन्यू करो। ऐसा नहीं है कि इस हफ्ते मैंने कोई वीडियो ही नहीं अपलोड किया, अगले हफ्ते भी मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, तो ऐसे में ही चैनल है ना का जो रीच होता है ना, चैनल का रीच वो डाउन हो जाता है। फिर वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करोगे तो अच्छा खासा व्यूज नहीं आएगा, जब व्यूज नहीं आएगा तो मन है ना आपका उदास हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे बहुत ज्यादा, और एक समय ऐसा आएगा कि आप यूट्यूब को छोड़ दोगे। यूट्यूब पर है ना आपको जिद्दी बनकर रहना है, बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलेगा मेरे भाई, मेहनत आपको करना पड़ेगा। ये आप उल्टी सीधी वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हो ना, इससे कोई फायदा नहीं है। आप किसी का भी कंटेंट डाउनलोड कर कर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हो, लाखों में सब्सक्राइबर ले आओ, पैसा नहीं कमा पाओगे। खुद का मेहनत और खुद का कंटेंट रखो, लॉन्ग समय तक आप यूट्यूब पर टिके रहोगे। किसी का कंटेंट डाउनलोड कर कर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करोगे, ऐसे में भी चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, रियूज कंटेंट आ जाएगा, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, काफी वीडियो में कॉपीराइट क्लेम भी आ जाएगा, काफी लोग म्यूजिक यूज करते हैं ना, तो ये सब गलती नहीं करना, सही ढंग से काम करना है और नियम के साथ, तभी आप यूट्यूब पर टिक पाओगे। नहीं तो यूट्यूब कम्युनिटी का ना स्ट्राइक आ जाएगा, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, आपकी वीडियो पर क्लेम आ जाएगा, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, इनवैलिड एक्टिविटी आ जाएगा, रिपीटेड कंटेंट, डुप्लीकेट कंटेंट आ जाएगा, आपके चैनल पर एरर आ जाएगा, मतलब मेटा डाटा में एरर आ जाएगा, तब भी यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, गलती के कारण होता है। तो यही सारी चीज़ें बताता हूँ, बाकी के लिए इतना ही।